नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आई, संसद की सुरक्षा सेंध मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। मुख्य आरोपी ललित झा ने सरेंडर किया है। 13 दिसंबर से फरार था ललित झा। संसद में घुसपैठ का मास्टरमाइंड है ललित झा। शुरुआती पूछताछ के बाद स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। आपको बता दें, ललित झा वही शख्स है जिसने बाहर प्रदर्शन कर रहे जो अपने दो साथी हैं उनका वो वीडियो बना रहा था और उनके मोबाइल के साथ वो फरार हो गया था। लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसने खुद ही सरेंडर किया और शुरुआती पूछताछ के बाद स्पेशल सेल को उसे सौंप दिया गया है। तो ललित झा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस स्मोक कांड का। 13 दिसंबर से वो फरार था और संसद में घुसपैठ का वही मास्टरमाइंड है, ऐसा शुरुआती पूछताछ में सामने आया है और अब उसे स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उसके अलावा जो अन्य जो आरोपी हैं उन्हें कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें 7 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा जरूरत पड़ी तो रिमांड आगे बढ़ा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल 7 दिनों की रिमांड पर अन्य आरोपियों को भेजा गया और जो मुख्य आरोपी है ललित झा वो भी इस वक्त गिरफ्त में है। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा सेंध मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है ललित झा, उसने कल देर रात सरेंडर कर दिया। ललित झा जो कि 13 दिसंबर से फरार था, स्मोक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। संसद में घुसपैठ का ये मास्टरमाइंड ललित झा, जो कि 13 दिसंबर से फरार चल रहा था, उसकी धरपकड़ तलाश लगातार की जा रही थी, लेकिन कल देर रात उसने खुद ही सरेंडर किया। शुरुआती पूछताछ के बाद ललित झा को स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य आरोपी ललित झा ने भी सरेंडर कर दिया है।